ये महाभारत में, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, ये तस्वीर तब की है। और ये पिक्चर आपको क्या सजेस्ट करिए, कैन यू प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। इसमें अगर अर्जुन को आप देखें तो अर्जुन को देख के आपको क्या लगता है, इज इन अ ग्रेट मूड और इज इन सम फाउल मूड, कैसा लग रहा है आपको? ही इज कंफ्यूज, बिल्कुल सही अनन्या आपने कहा, और यहाँ पे ये बहुत कंफ्यूज है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, इसमें जरा अर्जुन को देख के बताइए, अर्जुन आपको कैसे लगे? व्हाट डू यू राइट अबाउट अर्जुन हियर? प्राउड, फ्यूरियस, कॉन्फिडेंट, राइट, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही आपने शब्दों का इस्तेमाल किया है, कॉन्फिडेंट, यस प्रियंका, एब्सोल्युटली राइट। सो इन पिक्चर नंबर वन, एज यू ऑल हैव सजेस्टेड, अर्जुन इज कंफ्यूज्ड, ही इज सैड, दुखी है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, राइट। बट इन पिक्चर नंबर टू, अर्जुन इज प्राउड, arrogant, furious, absolutely confident. So, इन दोनों pictures के बीच में क्या हुआ था? अगर हिंदी में बोले तो गीता में जो लिखा है, picture number वन में अर्जुन को शोक संविग्र मानस बोला गया है, जिनके साथ शोक भी है और संविग्र भी है। So, और पिक्चर नंबर टू में अर्जुन को धनुर्धर बोला गया है। वो कौन सी चीज थी जिसने अर्जुन को एक कंफ्यूज इंसान से एक प्राउड एंड कॉन्फिडेंट आदमी में बदल दिया? वो थी कृष्ण का ज्ञान, और कृष्ण के ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, गीता। और गीता क्या था? गीता वॉज जस्ट अ कम्युनिकेशन, राइट, एंड इट वॉज ओनली अ कम्युनिकेशन विच कन्वर्टेड अर्जुन फ्रॉम अ नॉन कॉन्फिडेंट कन्फ्यूज पर्सन, अ सैड एंड नॉन कॉन्फिडेंट कन्फ्यूज पर्सन, टू अ टेरेबली कॉन्फिडेंट फ्यूरियस वॉरियर। ये कम्युनिकेशन का कमाल होता है, संवाद के जरिए आप मैजिक्स कर सकते हैं, आप लॉजिकल भी हो सकते हैं और आप मैजिकल भी हो सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन।